हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरी बबली ब्यूटीफुल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जिस प्लांट के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो है मेरा हिबिस्कस का प्लांट। और बहुत ही खुशी की बात ये है कि जिस प्लांट को मेरे हस्बैंड ने दूसरे कलर के हिबिस्कस प्लांट से ग्राफ्टिंग किया था, और वो ग्राफ्टिंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था कि वो सक्सेस हो गई थी, बट उस पर दो फ्लावरिंग एक साथ नहीं हो पाई। मतलब कि दोनों अलग अलग तरह के जो फ्लावर खिलने थे और मैं वीडियो नहीं बना पाई। खिले भी थे बट मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी गिलहरी हैं, तो जैसे ही वो फूल खिलता है वो आकर उसे खा जाती है, तब तक मैं वीडियो बना ही नहीं पाती थी। तो आज कोइंसिडेंटली ये दोनों फूल एक साथ खिले हैं, और मॉर्निंग से ही मैं ये सोच रही थी कि आज मैं ज़रूर आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बना के शेयर करूँगी ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि ग्राफ्टिंग के द्वारा जो ये प्लांट मेरे हस्बैंड ने रेडी किया है, और ये देखिए कितना सुंदर ये फ्लावरिंग इस पर हुई है। ये रेड कलर का फ्लावर इस पर खिला है, और इधर ये जो मेन प्लांट था वो उसका फ्लावर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फ्लावर तो मुरझा गया है। ये देखिए पीच कलर का ये फ्लावर है, और रेड वाला तो अभी एज इट ही है, ये देखिए आप। और जो पीच वाला जो फ्लावर है वो मुरझा गया है, ये खुद देखिए आप। तो मुझे लगा शायद दोनों ही फ्लावर जो हैं वो इवनिंग तक रहेंगे, तो इवनिंग तक तो नहीं रहा, ये रेड वाला ही रहा है। लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो ग्राफ्टिंग मेरे हस्बैंड ने की वो सक्सेस रही। और मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि ग्राफ्टिंग एक बहुत अच्छा प्लान है अलग अलग तरह के प्लांट्स को एक दूसरे से जोड़ने का। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक ही प्लांट पे कई तरह के फूल आते हैं, तो बहुत खुशी सी होती है। और हमने भी बहुत सारे पहले प्लांट की ग्राफ्टिंग की थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हो जाए। तो कोशिश करते रहना चाहिए, और जब हमारी इस प्लांट की जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हुई तो बहुत खुशी हुई। बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये देखिए बहुत बड़ा प्लांट है। ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लगभग 1 ईयर हो चुके हैं इसकी ग्राफ्टिंग को हुए, लेकिन अभी तक ये ऐसे ही है, हमने इसको हटाया नहीं है। और ये देखिए यहाँ से इसकी ये ब्रांच रेड वाली जो है ये जा रही है जिस पर ये फ्लावरिंग हुई है। फ्लावरिंग बहुत बार हुई है लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि गिलहरी आकर तुरंत फूल खा जाती है इसके, और आज ही पता नहीं ये कैसे छुपे हुए हैं, या हो सकता है बारिश की वजह से शायद आज नहीं आ पाई है, क्योंकि आज यहाँ मॉर्निंग से बारिश नहीं हुई है और 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है ग्राफ्टिंग के द्वारा जब फूल खिलते हैं। तो कभी जब मैं छोटी थी तो ये सोचती थी कि एक ही प्लांट पर इतने सारे कलर के फूल कैसे खिलते हैं, तब मुझे ये पता नहीं था। और अब ये जब पता चला कि इस तरह से ग्राफ्टिंग की जाती है, मेरे हस्बैंड ने खुद ये किया घर में, क्योंकि वो बॉटनी के प्रोफेसर भी हैं तो उन्हें अच्छे से ये काम आता है करना। तो ये देखिए इस पर कितना सुंदर ये फूल लग रहा है, और आप भी कोशिश करें ग्राफ्टिंग की, करें ज़रूर, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लान होता है ये। और फिर आपके यहाँ भी एक ही प्लान पर काफ़ी तरह के फूल आएंगे, और अलग अलग प्लांट्स को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एक ही पर इतने सुंदर फूल खिलेंगे तो आप एक ही जगह उसको रख सकते हैं, स्पेस भी कम इससे लगेगा और प्लांट भी देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने सोचा मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूं। तो बस ये छोटा सा वीडियो जो मैंने अपने हिबिस्कस के लिए बनाया है, सिर्फ यही दिखाने के लिए और बताने के लिए। प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत हेल्दी है, बहुत ही सुंदर है, और इसकी रिपोर्टिंग भी, सॉरी, इसकी प्रूनिंग भी अभी हमने कुछ टाइम पहले की थी, और अभी देखिए बहुत ही अच्छा सा प्लांट हो गया है, हेल्दी सा। और प्रूनिंग के बाद ही ये इस पर जो फ्लावरिंग हुई है वो अभी हुई है, और अब इस पर बहुत सारी बर्ड्स आए हुए हैं। ये देखिए कल इधर ये पीच वाला बर्ड्स, ये देखिए ये कल ब्लूम होगा, तो आज वाला जो है वो देखिए आप, ये खिला हुआ है बट अभी ये मुरझा गया है, और रेड वाला तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, हैं तो दोनों देसी ही, और तो पता नहीं ये वाला कैसे खिला हुआ है, या फिर थोड़ा शेड में होगा या जो भी है। तो चलो ठीक है, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाना चाहती थी तो आज इसकी वीडियो भी अच्छे से बना पाई हूँ मैं।
और कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और आप ज़रूर ग्राफ्टिंग का ये प्लान ज़रूर करें और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर वो सक्सेस होता है। और अगर एक बार भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, निराश ना हो, इसको करते रहिए और ज़रूर सफल होंगे आप भी जैसे कि हम हुए हैं। और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, जैसे भी आपको ये लगा मेरा वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।